हे दोस्तों, एक बार एक किसान खेती करके अपने घर पे जा रहा होता है। रास्ते में चलते चलते वो देखता है कि एक अंडा पड़ा होता है। वो अंडे को उठाता है, उसे लगता है कि वो मुर्गी का अंडा है, सो उसे मुर्गी के घर में जाके रख देता है, जहाँ मुर्गी अंडे को सेकती है। अब मुर्गी दूसरे अंडों की तरह उस अंडे को भी सेकने लगती है, जिसके बाद धीरे धीरे अंडों में से बच्चे निकलना स्टार्ट होते हैं। हर अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकलता है, लेकिन उस एक अंडे में से मुर्गी के बजाय चील का बच्चा निकलता है, क्योंकि वो चील का अंडा होता है। अब लेकिन ये चीज़ ना चील को समझती है ना उस मुर्गी को। मुर्गी को लगता है कि वो उसका बच्चा है, और उस चील के बच्चे को लगता है कि वो उसकी माँ है, सो वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब जैसे मुर्गी दूसरे बच्चों को सिखाती है, वैसे ही वो चील के बच्चे को भी सिखाती है कि तू कीड़े खा, डर डर के रहे, थोड़ा उड़ने की कोशिश कर, लेकिन तू ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा, तू नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा उड़ और फिर वापस नीचे आ जा। और ये सेम चीज़ वो करते करते अपनी लाइफ बिताने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा अधूरा फील हो रहा होता है, क्योंकि एक चील का बच्चा होता है ना कि मुर्गी का, सो वह ऐसे ही अपनी लाइफ बिताने लगता है। कुछ साल बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है। निकलते हुए फिर एक दिन वो आसमान में देखता है तो एक बड़ी सी मैजेस्टिक बर्ड उड़ रही होती है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो बर्ड कौन सी है, वो जो इतना अच्छे से उड़ रही है। तो उसका दोस्त बोलता है कि वो जो बर्ड है वो एक्चुअल में ईगल है, आसमान का राजा। अब क्योंकि वो खुद भी एक ईगल है, सो इसलिए उसको लगता है कि यार काश मैं भी ऐसा उड़ सकता। उसे भी अंदर से फील आता है कि यार मुझे भी ऐसा उड़ना है। तो अपने दोस्त को बोलता है, यार मुझे भी वैसा उड़ना है, काश मैं भी एक ईगल जैसा उड़ पाता। तो उसका दोस्त हंसने लगता है, बोलता है तू पागल है क्या, चील आसमान का राजा है, वो उसका एरिया है, वो उसकी जगह है, हमारी जगह ये ज़मीन है, हमें ज़मीन पे ही आराम से रहना चाहिए, बचते बचते डर डर के। लेकिन ये चीज़ उसे सही नहीं लगती है। सो कुछ टाइम बाद वो अकेले जाके ट्राई करने लगता है उड़ने का। वो एक बार ट्राई करता है, दो बार ट्राई करता है, बट वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठा होता है कि वो एक मुर्गी है ना कि एक चील। अब तीसरी बार वो जब ट्राई कर ही रहा होता है, तभी उसके सारे दोस्त उसको देखने लगते हैं और वो हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे देखो, इसको समझाया था कि ये चील नहीं है, फिर भी ये चील बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ उस चील को बहुत बुरी लगती है, वो काफ़ी सैड हो जाता है, और फिर वो मान लेता है कि हाँ वो एक चिकन है जो कभी नहीं उड़ सकता। और ऐसे ही फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, अपने आप को एज अ चिकन मान के। अब ये स्टोरी मैंने आपको बताई क्योंकि मुझे पता है आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि काश मैं भी उस सेलिब्रिटी जैसा, उस बड़े बिजनेसमैन जैसा, उस अमीर इंसान जैसा जी पाता, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, वैसा बंगला होता। लेकिन फिर क्योंकि हम ऐसी चिकन मेंटालिटी में रहते हैं, और आप ऐसी चिकन मेंटालिटी वाले लोगों के साथ रहते होंगे जो आपको बोलते होंगे कि नहीं, अरे तू वो सब चीज़ कभी नहीं कर सकता। सो अभी मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो कि जो स्टोरी में ईगल था वो आप हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास अभी भी चांस है कि आप अपनी लाइफ को एज अ चिकन ज़मीन पर डरते डरते बिताना चाहते हो, या फिर एज अ ईगल आसमान में उड़ के अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हो। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट करके बताएं कि आप एज अ चिकन अपनी लाइफ बिता रहे हो या फिर एज एन ईगल। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपको कोई भी एक फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके अभी ले सकते हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।